थाना सासनी पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सासनी पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक स्विफ्ट डिजायर हुंडई एक्सेंट कार में छुपाकर मादक गांजा की तस्करी करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 90 किलोग्राम गांजा और तस्करी के प्रयुक्त 2 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर और हुंडई एक्सेंट बरामद की गई है। हाथरस के थाना सासनी पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन गांजा तस्करों के पास से कुल 90 किलो अवैध गांजा, जिसको ये तस्करी कर ले जा रहे थे, पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 2 गाड़ियां, एक स्विफ्ट डिजायर तथा एक गाड़ी हुंडई एक्सेंट, जिसको ये गांजा तस्करी में प्रयोग कर रहे थे, वो इनके पास से बरामद हुई है। इन गिरफ्तार 6 अभियुक्तों में एक अभियुक्त लोकेश उर्फ लुक्का, ये पूर्व में भी गांजा तस्करी के कई प्रकरणों में जेल जा चुका है तथा वर्तमान में अलीगढ़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर के एक मुकदमे में यह वांछित चल रहा था। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।